हेलो एवरीवन, दिस इज हैरी गेल, एजुकेशन ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी लोगों का आज के क्लिप में स्वागत करता हूं। वेलकम बैक वंस अगेन। हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर एक्सीलेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पांच ऐसी बातें, पांच ऐसे स्टेप जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो पाँच स्टेप कौन कौन से हैं दैट कैन चेंज आर लाइफ। नंबर एक, नो योर सेल्फ। आप अपने आप को जानो। आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, अपने आप को जानना है कि आप कौन हो, आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे परिवार में जो हम करना चाहते हैं, जिसमें हमारा मन लगता है, उसको ना करवा कर हम दूसरी ओर डाइवर्ट कर देते हैं और हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छे से खेलना आता है, अगर आप फुटबॉल अच्छा खेल लेते हैं तो आपको फुटबॉल प्लेयर बनना चाहिए, आपका मन फुटबॉल खेलने में लगता है। क्या होता है, घर वाले कहते हैं नहीं तुम डॉक्टर बन जा, तुम मेडिकल की पढ़ाई करो। तो क्या होता है कि हम लोग मेडिकल की पढ़ाई करने लग जाते हैं, ना ही मेडिकल में कुछ अच्छा कर पाते हैं और जो हमने सोचा था अपनी हॉबी के रूप में उसको भी हम लोग नहीं पूरा कर सकते। तो सबसे पहले अपने पैशन को पहचानिए, अपनी हॉबी को जानिए कि आपके अंदर क्या है, किसमें आपका ज़्यादा मन लगता है और क्या आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने पैशन को पहचानो, क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज़ है आपको वो करवा सकती है जो आप नहीं कर सकते। तो पैशन को पहचानिए, ढूंढिए और निकालिए और वैसे काम में लग जाइए जिस काम में आपको करने में बहुत मज़ा आता हो। नंबर टू, क्लियर योर गोल। अपने आप को जानने के बाद में जो दूसरा आप लोगों का स्टेप है कि आपको अपने गोल और टारगेट को सेट करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों के पास में दो तरह के गोल होते हैं, एक होता है डाउटफुल गोल और दूसरा होता है क्लियर गोल। आपको अपने गोल को बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रखना है और बिल्कुल अपने टारगेट को क्लियर रखना है। और आप लोगों को अपने टारगेट को अपने पैशन और हॉबी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अगर आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आप लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। तीसरा स्टेप है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास करें। ऐसा हो सकता है कि बिगनिंग में लोग आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। दूसरों को अगर अपने गोल के बारे में और अपने टारगेट के बारे में बताओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा कर सकते हो और बिल्कुल भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है आपके परिवार के लोग भी आपकी बातों पर विश्वास ना करें, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए किसी की बात ना सुनते हुए अपने आप पर विश्वास करें। और अपने आप पर विश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। तो इसलिए अपने आप पर बिलीव करें, अपने आप पर विश्वास रखें और आप अपने टारगेट को लगातार आगे बढ़ाते रहें। नंबर फोर, फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें और लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल और रिच पर्सन हैं वो लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और अपनी लाइफ में सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि नॉलेज इज द पावर, क्योंकि नॉलेज एक ज्ञान की एक शक्ति है जो आपको एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, इस प्रकार लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। दूसरा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो भी आपने अपनी ज़िंदगी से अभी तक सीखा है उसका भी इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको वो करवाती है जो आपको करना चाहिए और सदैव आगे बढ़ाती रहती है। नंबर फाइव, नो योर वैल्यू। अपनी असली वैल्यू को जानें कि आप क्या हैं। अपने आप को सस्ते में ना बिकने दें और सदैव अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। और ऐसा हो सकता है कि आपके पास में लोग आएंगे और आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको सस्ते में खरीदने की कोशिश करेंगे। आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको सदैव अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है और किसी की नहीं सुननी है। अपने टारगेट और ड्रीम को याद करना है और सदैव उस पर फोकस करके लगातार आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी को बदलने के लिए एक साल, दो साल, तीन साल नहीं लगते। ज़िंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक सेकंड लगता है। अगर आप लोग अभी ठान लें तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और अपने आप को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये रहे पांच स्टेप जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं और आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। और जिन आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी लोगों को